आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एड्रीनोकॉटिकोट्रॉपिक हॉर्मोन इन शॉर्ट ए हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ए सी की सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है और ए के डिसऑर्डर्स, नेमली कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन्स डिसीज ए सी टी एच से सिक्रीट होता है ए सी टी एच एड्रीनोकॉटिकोट्रॉपिक हॉर्मोन एक पेप्टाइड हॉर्मोन है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एड्रीनोकॉटिकोट्रॉपिक हार्मोन ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है जो कि एड्रीनल कॉटिक्स को, को, को स्टीमुलेट करता है स्टीमुलेट होने पर एड्रीनल कॉटिक्स तीन तरह के हार्मोन रिलीज करती है नेमली मिनरोलोकॉटिकॉइड्स देन ग्लूकोकॉटिकोइ्स एंड एंड्रोजन्स सो लुक एट दिस फिगर ये हाइपोथैलेमस का जूम्ड व्यू है हाइपोथैलेमस ब्रेन में नीचे की साइड लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लान पिट्यूटरी ग्लान के दो लोव्स होते हैं ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन इन शॉर्ट सी ए सी आर एच सिक्रीट करता है सी आर एच एंटी को स्टीमुलेट करता है जिससे कि एंटी ACTH ए सी टी एच करती है ए सी टी एच एड्रीनल कॉटेक्स को स्टीमुलेट करता है एड्रीनल कॉटेक्स से रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स नेमली मिनरलोकॉटिकोइ्स ग्लूको एंड एंड्रोजन्स तो ये है एड्रीनल ग्लैंड बाहर के स्ट्रक्चर को कहते हैं एड्रीनल कॉटेक्स और ये जो बीच का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे रेड कलर में दिखाया गया है इसे बोलते हैं एड्रीनल मेड्यूला एड्रीनल मेड्यूला न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू का बना होता है और न्यूरो ट्रांसमिटर्स प्रोड्यूस करता है नेमली एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन अब हम एड्रीनल कॉर्टेक्स पर फोकस करते हैं नाउ एड्रीनो कॉटिकोट्रोपिक हॉर्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स की तीन लेयर्स हैं आउटर मोस्ट लेयर ये जो बाहर की टिश्यू uh, लेयर है इसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा जोना ग्लोमेरुलोसा स्टीरोडल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसे मिनरलोकॉटिकॉइड्स कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मिनरुलोकॉटिकोइड हॉर्मोन है एल्डोस्टीरोन नाउ एंजियोटेंसन टू सबसे इम्पोर्टेंट स्टिमुला है जो कि एड्रीनल कॉटिक्स से एल्डोस्टिर की सिक्रिएशन को रेगुलेट करता है नाउ एल्डोस्टेरॉन का जो मेन फंक्शन है बॉडी में वो है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एल्डोस्टेरॉन बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन किडनीज पर एक्ट करता है जब भी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम होगा या फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम होगा उस वक्त एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाएगी और एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है और वहाँ पर सोडियम का रीऑब्जॉर्पन बढ़ा देता है सोडियम का रीऑब्जॉर्प्शन बढ़ने से वाटर का पैसिव रीऑब्जॉर्पन भी बढ़ जाता है तो ये जो सोडियम है और जो वाटर है ये नेफ्रॉन से रीऑब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है सो so, जो ब्लड वॉल्यूम पहले कम थी अब वो बढ़कर नॉर्मल हो जाएगी उसी तरह ब्लड प्रेशर जो कम था अब वो बढ़कर नॉर्मल हो जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन जो है वो किडनी से पोटाशियम का एक्सक्रीशन भी बढ़ा दे बढ़ा देता है तो इस तरह एल्डोस्टेरॉन बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद समझते हैं जोना रेटिकुलारिस ना एड्रीनल कॉटेक्स ये जो एड्रीनल कॉटेक्स है इसकी जो ये अंदर वाली अंदर वाली जो पतली सी लेयर है इसको कहते हैं जोना रेटिकुलारिस ना जोना रेटिकुलारिस सेक्स स्टीरोडल हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है जिन्हें कहते हैं एंड्रोजन्स जो मेन एंड्रोजन्स इस टिश्यू लेयर से सिक्रीट होते हैं वो हैं डीहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन इन शॉर्ट डी एच ई एंड एंड्रोस्टीन डायोन ये दोनों एंड्रोजन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों हार्मोन्स फर्दर प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्राडायल टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्राडा यहाँ पर लिबिडो और सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करते हैं नो एक्चुअली रियल में जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो गोनेट से प्रोड्यूस होते हैं यानी टेस्टिस एंड ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं बट यहाँ पर भी एड्रीनल कॉटेक्स स्मॉल अमाउंट में कुछ एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एड्रीनल कॉटेक्स सेक्स स्टीरोडल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए एक नॉन गोनाडल सोर्स है सो so, uh, जोना रेटिकुलरिस इज अ नॉन गोनाडल सोर्स दैट प्रोड्यूस द सेक्स हॉर्मोन्स दैट इज एंड्रोजन्स इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी अब जोना रेटिकुलरिस के बाद स्टडी करते हैं ये थिक टिश्यू लेर दैट इज द जोना फेसिक्यूलेटा ना जोनाफेसिकुलेटा प्रोड्यूस करती है ग्लूको कॉटिकोइ्स सो जोनाफेसिक्यूलेटा ग्लूकोकॉटिकोइड्स प्रोड्यूस करती है इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉटिकोइड है कॉटिसोल नाव ग्लूकोकॉटिकोइड्स का मेन रोल स्ट्रेस के दौरान होता है ये हार्मोन बॉडी को तैयार करता है स्ट्रेस से लड़ने के लिए ना स्ट्रेस जो है वो बहुत से कारण से हो सकता है जैसे कि आ, किसी भी तरह का ट्रॉमा, जिससे कि शॉक लगे फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट डेथ कोई भी इमोशनल स्ट्रेस फीवर हाइपोग्लाइसीमिया किसी भी स्ट्रेस के दौरान बॉडी में ग्लूकोकॉटिकॉइड या फिर कॉटिसोल का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है पर नॉर्मली फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी का सर्केडियन रिद्म जो कि स्लीपिक साइकिल को रेगुलेट करता है वही सर्केडियन रिद्म बॉडी में कॉटिसोल के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉटिकॉय्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कॉटिसोल हॉर्मोन्स हैं और ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं ना स्ट्रेस के दौरान ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और ग्लूकोकॉटिकोइ्स ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ा देते हैं ग्लूकोकॉटिकोइड्स प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं प्रोटीन्स ब्रेक होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये फर्दर ग्लूकोस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस सो ग्लूकोकोटिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं जिससे ग्लूकोस के ब्लड लेवल बढ़ जाते हैं नाउ स्ट्रेस के दौरान बॉडी सेल्स जो हैं उनकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इसलिए ये बहुत यूज़फुल है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत यूज़फुल हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस एंड ये ही बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू फाइट विद द स्ट्रेस नाउ इसके अलावा ग्लूकोकोटिकोइ्स uh, लाइपोलाइसिस भी इंड्यूस करते हैं मतलब लिपिड्स ब्रेक होते हैं या फिर कहीं हम फैट्स ब्रेक होते हैं जिससे फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और ये फैटी एसिड्स बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करती है तो सारांश में कहेंगे कि ग्लूकोकॉटिकोइ्स ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देते हैं जिससे कि बॉडी स्ट्रेस से फाइट कर सके अब समझते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोकॉटिकोइड्स ग्लूकोकॉटिकॉइड्स की हाई डोजेस प्रोड्यूस करती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ग्लूकोकॉटिकोइ्स उन प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोक की सिंथेसिस को कम करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन वन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरफेरॉन गामा इन इंफ्लमेटरी मीडिएटर्स का जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है और इसी वजह से इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज़ लाइक फॉर एग्जांपल एस्थमा की मैनेजमेंट में सिंथेटिक ग्लूकोकॉटिकोइड्स लाइक प्रेडनिसोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसके अलावा ग्लूकोकॉटिकोइ्स बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं ग्लूकोकॉटिकोइ्स वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि लिम्फोसाइट्स माइक्रोफेज मोनोसाइट्स का नंबर और उनकी फंक्शनिंग को कम कर देते हैं ना जैसा कि हम जानते हैं एक्टिवेशन ऑफ दीज वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगर इन डब्ल्यू का एक्टिवेशन रुक जाएगा तो इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाएगी सो ग्लूकोकोटिकोइ्स एग्जिबिट और एग्जर्ट इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट बॉडी की ये इम्यूनिटी को कम कर देते हैं और इसी वजह से ऑटो इम्यून डिसीज़ेज लाइक रूमोटोइ अर्थराइटिस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मैनेजमेंट में कॉटिकोस्टोरॉइड्स लाइक फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है नाउ इन एडिशन टू दिस इंक्रीज्ड ब्लड लेवल्स ऑफ कॉटिसोल हीलिंग को भी डिले करते हैं मतलब कि किसी भी चोट या फिर कोई घाव को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है तो ये है फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉटिकॉइल्स अब समझते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन ऑफ कॉटिसोल नाउ सर्केडियन रिद्म सर्क्रडियन रिद्म बॉडी का स्लीपिक साइकिल रेगुलेट करता है नॉर्मल कंडीशंस में ये सर्केडियन रिद्म हमारे ब्लड का ए सी टी एच लेवल भी रेगुलेट करता है नौ सुबह के वक्त छः बजे से सुबह छः बजे से नौ बजे तक के बीच में ए सी टी एच के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं वो पीक पर होते हैं और दिन भर में ये लेवल्स कम होते जाते हैं और रात में ग्यारह बजे से लगभग दो बजे तक ये और भी कम हो जाते हैं तो सुबह के वक्त में ये जो सर्केडियन रिद्म है ये कॉटिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन इन शॉर्ट सी आर एच का सिक्रीशन बढ़ा देता है सी आर एच एंटी रेपिटिटरी को स्टिमुलेट करता है जिससे ए सी टी एच रिलीज होता है ए सी टी एच फर्दर एड्रीनल कॉटिक्स को स्टिमुलेट करता है जिससे ग्लूको या फिर कॉटिसोल का सिक्रीशन होता है ना इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि स्ट्रेस के दौरान ये जो कॉटीसोल है इसका सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है अब जब कभी भी नॉर्मल से ज़्यादा कोर्टिसोल के ब्लड लेवल्स हो, तब ये हाई लेवल्स ऑफ कॉटीसोल एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स भेजते हैं इन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स की वजह से कॉटिको कॉटिसोल के जो बढ़े हुए लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं और वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं तो इस तरीके से ब्लड में कॉटिसोल के जो लेवल्स हैं उनका सिक्रीशन रेगुलेट होता है अब पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ ए अगर कॉटिसोल के ब्लड uh, लेवल्स लंबे समय तक नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़े रहे तो इस कंडीशन को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं ना कॉटिसोल के जो बढ़े हुए ब्लड लेवल्स हैं इनके बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं एक्सोजीनस कारण एंड एंडोजीनस पहले समझते हैं एक्सोजीनस कॉज ना प्रेडनीसोन प्रेडनीसोन एक मेडिसिन है ये एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉटिकॉइड है सिंथेटिक कोटिकोइड को डिसीजेज़ लाइक रूम अर्थराइटस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मैनेजमेंट में कई बार लंबे समय तक यूज़ किया जाता है न यहाँ पर हम लंबे समय तक प्रेडनीसोन का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी हम एक ऐसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल कॉटिसोल जैसी है तो ज़्यादातर क्रॉनिक यूज ऑफ मेडिसन्स लाइक प्रेडनिसोन मेन कारण है जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है दूसरा एंडोजीनस कॉज मतलब बॉडी में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोर्टिसोल के ब्लड लेवल्स लंबे समय तक बढ़े हुए रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पिट्यूटरी एडिनोमास नाउ पिट्यूटरी एडिनोमा मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का एक बेनाइन ट्यूमर है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में ए प्रोड्यूस करता है अब ए जब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉर्टिसोल जो है वो उसके ब्लड लेवल्स बढ़ जाएंगे और इस वजह से अगेन दिस कॉज कुशिंग सिंड्रोम अब समझते हैं सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम ना कॉर्टिसोल प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन्स को ब्रेक करता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और अमाइनो एसिड फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है न हमारी जो मसल्स हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती हैं प्रोटीन ब्रेकडाउन से मसल वेस्टिंग होने लगती है यानी कि मसल्स वीक हो जाती हैं मसल मास कम हो जाता है और हाथ और पाँव वो शरीर के कंपैरिजन में पतले पड़ जाते हैं इसके अलावा प्रोटीन uh, ब्रेकडाउन से जो स्किन है वो भी पतली हो जाती है और उसकी वजह से ईजी ब्रूजिंग होने लगती है दूसरा एक्सेस कॉटीसोल की वजह से बॉडी में फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है नाउ पेट पर चर्बी जमने लगती है पेट या फिर बेली जो है वो मोटी हो जाती है फेस जो है वो गोल हो जाता है जिसे कहते हैं मून लाइक फेस और पीछे कमर पर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फैट जमने लगता है और कोबड़ जैसा दिखने लगता है जिसे कि बफेलो हम्प कहते हैं इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि कॉटीसोल जो है वो ब्लड वेसल्स की एड्रेनालिन और नॉर से, से सेंसिटिविटी बढ़ा दे बढ़ा देता है जब एड्रेनालिन और नॉर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं वो सुकड़ने लगती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसके अलावा ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाते हैं जिससे कि डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं जिससे ओस्टिपोरस का रिस्क बढ़ जाता है इसके अलावा जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कॉटिसोल डब्ल्यू की जो एक्टिविटी है उससे कम कर देता है बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन्स के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं तो ये सब हैं कुशिंग सिंड्रोम के कॉजेज और सिम्टम्स कुशिंग सिंड्रोम के बाद अब समझते हैं एडिसन्स डिसीज़ ना एडिसन्स डिसीज़ में एड्रीनल कॉटेक्स से कॉटीसोल और एल्डोस्टीरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है इन हार्मोन्स की कमी इसलिए होती है क्योंकि एड्रीनल कॉटिक्स इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता और इसीलिए इस डिसीज़ को प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं ना एक बात जो समझने की है वो ये है कि क्योंकि इस डिसीज़ में एड्रीनल कॉटिक्स काम नहीं कर पा रहा है तो जो पिट्यूटरी है उससे एसीटीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है ए ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनल कॉटेक्स को स्टीमुलेट करने की कोशिश करता है पर फिर भी कॉटिसोल के जो ब्लड लेवल्स हैं वो नहीं बढ़ पाते सो so, इस डिसीज़ को हम इस बात से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ए के लेवल्स हाई हैं नॉर्मल से ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है कि हो ना हो हमारा जो एड्रीनल कॉटेक्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहा सो द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस डिसीज इज़ हाई लेवल्स ऑफ ए सी टी एच अब समझते हैं एडिसन्स डिसीज़स के कॉजस क्या हैं ना एडिसन्स डिसीज़ एड्रीनल कॉटेक्स के डैमेज से होती है डिसीज़ कितनी सीवियर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स की दो टिश्यू लेस दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा जोना जोना फेसिकुलेटर डिस्ट्रॉयड है या फिर थर्ड लेयर जोना रेटिकुलारिस भी डिस्ट्रॉयड है नाउ एड्रीनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो है ऑटो इम्यूनिटी मतलब बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट होकर एड्रीनल कॉर्टेक्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं सो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एडिसन्स डिसीज इसके अलावा ट्यूबोकुलस भी एड्रीनल uh, कॉर्टेक्स को डैमेज कर सकती है तो ये है कॉजिज ऑफ एडिसन्स डिसीज़ अब समझते हैं सिम्टम्स या फिर लक्षण ऑफ लक्षण ऑफ एडिसन्स डिसीज़ कोर्टिसोल की कमी से हो सकता है लो ब्लड ग्लूकोज हाइपोटेंशन वेट लॉस फटीक एल्डोस्टुर की कमी से होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस नोजिया वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन और अगर एंड्रोजन्स कम हो जाए तो वुमन वुमन में हेयर फॉल होता है और सेक्स ड्राइव भी कम हो जाती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिसन्स डिसीज अब समझते हैं यूज़ ऑफ ए सी टी एच ए सी टी एच का जो मेन यूज़ है वो है पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस के डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाइड करने में या फिर पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सस के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोस करने में ना जब हम 25 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ए को इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एड्रीनल कॉटिक्स स्टीमुलेट होता है और कॉटिसोल का सिक्रीशन होता है अगर इस इंजेक्शन से कॉटिसोल uh, के प्लास्मा लेवल्स बढ़ते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि एड्रिनल कॉटिक्स जो है वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है पर अगर इस इंजेक्शन से प्लास्मा कॉटिसोल लेवल्स या फिर कॉटिसोल के प्लाज्मा लेवल्स बढ़ते नहीं हैं तो ये दर्शाता है कि एड्रिनल कॉटिक्स नॉन फंक्शनल है काम नहीं कर रही है जैसा कि एडिसन्स डिसीज़ में होता है सो ए सी टी एच जो टेस्ट है वो एडिसस डिसीज़ या फिर प्राइमरी एड्रीनल इनसेफिशेंसी को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टेस्ट है तो ये है इंफॉर्मेशन ऑन ए सी टी एच फंक्शंस ऑफ ए सी टी एच रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ़ ए सी एच इसके अलावा हमने पढ़ा कुशिंग सिंड्रोम आडिस डिसीज एंड डग्नोस्टिक यूज ऑफ ए सी टी एच अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो